हेलो एवरीवन वेलकम टू इकनॉमिक्स पैसा आए बताए सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रेगुलेशन बॉडीज़ इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम सो फर्स्ट इज़ एन सी ई आर टी विच इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो कि इस्टेबलिश हुआ था नाइनटीन सिक्सटी वन के अंदर इट्स एन अटोनमस बॉडी जो कि असिस्ट करती है एडवाइस करती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन कि एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव हो सके एट स्कूल लेवल ठीक है अब इसके बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ़ एन फर्स्ट इज की अंडरटेक करना है प्रमोट करना है कोऑर्डिनेट करना है रिसर्च इन द एरिया दैट इज रिलेटेड विद स्कूल एजुकेशन प्रिपेयर और पब्लिश करने हैं मॉडल टेक्स टेक्स्ट बुक्स को सो थर्ड इज सप्लीमेंट्री मटीरियल जो न्यूज लेटर्स होते हैं जर्नल्स एंड ऑल्सो टू डिवेलप द एजुकेशनल किट्स मल्टी मीडिया डिजिटल मटीरियल एट्सट्रा ऑल्सो ये ऑर्गेनाइज करते हैं प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स डिवेलप करना डिसमिनेट करना इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स और प्रैक्टिस जैसे आजकल एड टेक होता जा रहा है बहुत एजुकेशनल एजुकेशन education के अंदर बहुत इनोवेटिव टेक्निक्स आ रही हैं उसे अडोप्ट करना उसे डिवेलप करना दैट इज़ द मोटो ऑफ एन सी आर टी ठीक है सो ऑल्सो टू ओवरसीज़ द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एस्पेक्ट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के ऊपर वो चीज़ करना ऑल्सो इसने डिवेलप करा था जो एन सी आर टी है उन्होंने डिवेलप करा था एन सी एफ़ को विच इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को नेक्स्ट इज़ कोऑपरेट करना नेटवर्क करना विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ एन जी ओज एंड अदर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ सो दैट इज़ देयर अब एन की अगर बात करें इट ऑल्सो एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज़ इंफॉर्मेशन जो दैट आर बेसिकली रिलेटेड टू द स्कूल एजुकेशन ऑल्सो इट इज़ बेसिकली अ नोडल एजेंसी जो कि एक्ट करती है फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिले ठीक है ना वी टॉक अबाउट द हेड क्वार्टर्स हेड क्वार्टर्स एन सी आर टी के न्यू डेली में है नेक्स्ट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विच इज़ सी बी एस सी इसकी ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन इज़ नाइनटीन सिक्सटी टू जो हमने एन सी आर टी पढ़ा था दैट इज़ नाइनटीन सिक्सटी वन सी बी एस सी वॉज इस्टैब्लिश्ड इन नाइनटीन सिक्सटी टू सी बी एस ई जो 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 है वो एक नेशनल लेवल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया जो कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल करती है मैनेज करा जाता है बाई द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जब कंट्रोल करेगी दैट इज़ सी बी एस सी ठीक है सो सी बी एस ई जो है वो सारे अफिलिएटेड स्कूल जो सी बी एस ई से हैं वो उन्हें बोलती है कि दे हैव टू फॉलो द करिकुलम ऑफ एन सी ई आर टी ठीक है सो दे ऑल्सो डिफाइन की अप्रोप्रिएट अप्रोच होनी चाहिए ऑफ अकैडमिक एक्टिविटीज़ की वो प्रोवाइड कर सकें स्ट्रेस फ्री और चाइल्ड सेंटर्ड एंड होलिस्टिक एजुकेशन ना तो सिर्फ अकैडमिक में बच्चा हो बच्चा अच्छा हो ऑल्सो इन द नॉन अकेडमिक एस्पेक्ट ऑल्सो सो होलिस्टिक एजुकेशन हो सारे स्टूडेंट सारे बच्चों के लिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए ठीक है सो सी बी एस ई जो है दैट ऑल्सो कंडक्ट सर्ट एन इम्पोर्टेंट एग्ज़ैम जैसे ए आई ट्रिपल ई ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंड प्री डेंटल एंट्रेंस एग्जाम ये सी बी एस ई कंडक्ट करती है रिसेंटली सी बी एस ई नेल्सो देव इंट्रोड्यूस द ग्रेडिंग सिस्टम विच इज़ सी सी ई कंटिन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएजन एंड इसका भी हेड क्वार्टर इज सेम न्यू डेली ठीक है नेक्स्ट इज एन आई ओ एस विच इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का पहले जो नाम था दैट इज़ नेशनल ओपन स्कूल जो कि इस्टेब्लिश हुआ था इन नवंबर 1989 के अंदर ये भी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दैट इज़ बेसिकली इन परसुन ऑफ़ द एन पी इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 के अंदर फिर दूसरी जो बनी थी दैट वाज इन 1986 अब जो बनी है एन ई पी वर्च इज़ 2020 वाली सो दिस इज़ बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट एम एच आर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो एन आई एस एन आई ओ एस जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करता है बहुत सारे वोकेशनल लाइफ इन रिचमेंट कम्युनिटी ओरिएट कोर्सेज बिसाइड वो जनरल और अकैडमिक कोर्सेज के अलावा ये वोकेशनल और कम्यूनिटी ओरिएटड कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल्स पर ठीक है सो दे ऑल्सो ऑफर कुछ एलिमेंट्री लेवल कोर्सेज़ थ्रू ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू गस्टेड नोटिफिकेशन उसके अंदर एनओ एन जो है वो बेसिकली ए, उनके पास एक अथॉरिटी है कि वो सर्टिफाई कर सकते हैं लर्नर्स को जो कि उनके पास रजिस्टर्ड है विद प्री डिग्री लेवल कोर्सेज चाहे वो अकेडमिक हो टेक्निकल हो या वोकेशनल हो ठीक है अब इसका विजन क्या है एन का दैट इज़ सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग हो कि सारे लोग जो है मतलब सारे स्टूडेंट्स हु डोंट हैव प्री डिग्री लेवल्स तक के दे गिव द सर्टिफिकेशन तो वहाँ पे दे दे हैव द विजन कि वो सस्टेनेबल इंक्लूसिव लर्निंग हो विद यूनिवर्सल और फ्लेक्सिबल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट हो सके स्टूडेंट्स की मिशन है कि प्रोवाइड करना है रेलिवेंट कंटिन और होलिस्टिक एजुकेशन अप टू प्री डिग्री लेवल थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जो रोज रोज नहीं जा सकते उनको डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू दे कैन अटेन द प्री डिग्री सर्टिफिकेशन ऑल्सो मिशन इज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन कि हर बच्चे को एजुकेशन मिले दैट शुड बी यूनिवर्सल राइट ऑफ अ स्टूडेंट वो केटर कर सकें टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द प्रायोरिटाइज टारगेट ग्रुप फॉर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस ठीक है So now this was a question that was asked in 2019 June paper one. The question is NCA which is national so curriculum framework was developed by which of the following NCRT karata. this we've studied previously NCRT Ne kya develop kara tha. It was NCRT has only developed NCA wishes. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर वन द क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ओवरसीज द फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम वो भी एन सी आर टी ही है विच इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट दिस जो स्कूल एजुकेशन में दो बॉडीज हैं जो ऑपरेट करती हैं यू मस्ट हैव ऑल द कॉन्सेप्ट एंड द क्वेश्चंस। क्वेश्चन थैंक्स फॉर वॉचिंग